हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केविन पीटरसन ने जो ट्वीट करा है मोहम्मद आसिफ को लेकर, आज हम बात करेंगे उसी पर। जी हाँ, जैसा कि आपको बताते चले, ट्विटर पर जो है एक बंदे ने जो है मोहम्मद आसिफ की जो है वो डिलीवरी की वीडियो शेयर की जिसमें वो केविन पीटरसन को आउट कर रहे हो। केविन पीटरसन उनकी बॉलिंग को ना समझते हुए कीपर के हाथों कैच हो जाते हैं। जी हाँ, आपको बताते चले, केविन पीटरसन को उन्होंने इस वीडियो में टैग भी करा था, तो केविन पीटरसन ने इस वीडियो का जवाब दिया उस बंदे को और उन्होंने कहा कि जैसा कि मोहम्मद आसिफ के जो है बैन हो जाने के बाद से जो है सारे ही दुनिया के बैट्समैन काफ़ी खुश थे और उनका ये भी कहना था कि केविन पीटरसन का ये भी कहना था कि सिर्फ सारे बैट्समैन ही नहीं बल्कि मैं भी खुश था, क्योंकि मोहम्मद आसिफ की वाकई में कुछ बैट्समैन जो थे वो उनसे डरते थे और उनकी बॉलिंग को फेस करने में कतराते थे, जिसमें से वो भी शामिल हैं। और इन्होंने केविन पीटरसन ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि मोहम्मद आसिफ जो है बेहतरीन बॉलर थे उस टाइम के और उनकी डिलीवरी को समझ में नहीं आती थी और मैं भी उनके फेस करने में उनकी कभी भी मेरे को उनकी कोई बॉलिंग समझ नहीं आई, जिसकी वजह से जो है मैं आउट हो जाता था अक्सर उनकी बॉलिंग को फेस करते हुए। और जी हाँ, आपको बताते चले, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ये उस टाइम के पाकिस्तान के मैन बॉलर माने जाते थे और दूसरी टीमों के सभी बैट्समैन जो है इन दोनों को फेस करने में कतराते थे, पर अचानक इनको नजर लग गई। जी हाँ, मैच फिक्सिंग में जो है ये तीन खिलाड़ी पकड़े गए जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट शामिल थे। मोहम्मद आसिफ को जो है 10 साल की सज़ा हुई थी और सलमान बट को जो है 8 साल की सज़ा हुई थी और 5 साल की मोहम्मद आमिर को सज़ा हुई थी। मोहम्मद आमिर ने तो वापस कमबैक कर लिया है, पर इन दोनों की इन्हीं सज़ाओं में काफ़ी उम्र निकल गई जिसकी वजह से इन दोनों की अब वापसी मुमकिन नहीं नज़र आती। हालांकि मोहम्मद आसिफ तो ज़्यादा उम्र के हो गए, पर सलमान बट जो हैं वो लाहौर कलंदर में खेलते हुए पीएसएल में भी दिखाई दिए गए, पर कौमी टीम में उनकी वापसी नहीं हुई। मोहम्मद आमिर की इसलिए वापसी हो गई कि उन्होंने जल्द ही सारा सब कुछ उन्होंने मान लिया था कि जी हाँ, हमने मैच फिक्सिंग करी है और ये सब कुछ उन्होंने सबूत के साथ प्रूफ दे दिया था, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर को सजा भी कम हुई और उनकी कौमी टीम में वापसी भी हो गई। तो आपके ख्याल से मोहम्मद आसिफ कैसे बॉलर थे, कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।